साई कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई के ऑनलाइन काउंसलिंग वीडियो सेशन में आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ग्रेजुएशन कोर्स है BCA का कोर्स, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे और BCA से संबंधित आपके सभी डाउट्स को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जिसने इस साल क्लास 12th की पास किया है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि इस वीडियो में दी गई जानकारी से वह स्टूडेंट लाभान्वित हो सके। इससे पहले कि हम आपको BCA कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी दें, सबसे पहले BCA का फुल फॉर्म क्या होता है। BCA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैं व्यक्तिगत अपनी राय आपको सबसे पहले इस कोर्स के बारे में दो पॉइंट से दूंगा। सबसे पहला पॉइंट, BCA आज किसी भी अन्य ग्रेजुएशन कोर्स के मुकाबले सबसे ज्यादा बेहतर कोर्स है जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से। नौकरी की संभावनाओं के आधार पर BCA से अच्छा ग्रेजुएशन कोर्स आज उपलब्ध नहीं है। नंबर टू, BCA का कोर्स BE के कोर्स की अपेक्षा, यदि किसी सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज से BE करने का यदि कोई स्टूडेंट सोच रहा है तो उससे बहुत बेहतर ऑप्शन है BCA करना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इस वीडियो के अंत में एक अलग सेक्शन हमने इसके लिए रखा है जिसमें हम आपको ये प्रूव करके दिखाएंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे कि हमारा ये कथन सही है कि किसी भी सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज से BE करने की अपेक्षा यदि BCA किया जाए तो वो स्टूडेंट के लिए ज्यादा बेहतर है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले, BCA कोर्स है क्या और उसमें प्रवेश के लिए योग्यता क्या है। नेक्स्ट सेक्शन में हम कवर करेंगे कि BCA के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाता है। थर्ड सेक्शन में हम आपको साई कॉलेज में BCA क्यों किया जाए, साई कॉलेज BCA के लिए बेस्ट क्यों है, हम तथ्यों के आधार पे इस पॉइंट को जरूर डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट, जो हमारे पास जब काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट आता है तो फीस डिटेल्स के बारे में वो जानकारी चाहता है, और अंत में BCA के बाद क्या क्या संभावनाएं हैं, इस बारे में हम लास्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, BCA कोर्स है क्या। BCA एक ग्रेजुएशन कोर्स है, जैसा उसका नाम बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अर्थात कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री कोर्स को BCA कहते हैं। ये 3 साल का कोर्स है, इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स है। ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, इसके अंतर्गत कंप्यूटर और IT रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट एक सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाता है, प्रोग्रामिंग सीखता है, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखता है और बहुत सारे एरियाज जो कंप्यूटर रिलेटेड हैं उन सब में वो महारत हासिल कर लेता है। अब ये वाकई ये फैक्ट है कि किसी भी सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज से BE/BTECH करने की अपेक्षा BCA एक बेहतर ऑप्शन है, जिसे हम इस वीडियो के अंत में कवर करेंगे। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर करियर ऑप्शन है जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं या कंप्यूटर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं, BCA में एंट्री के समय, BCA में प्रवेश के समय अगर आपको कंप्यूटर के संबंध में 0 नॉलेज है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हम पहले दिन ये मान के चलते हैं कि जो स्टूडेंट BCA में एडमिशन लिया है उसको कंप्यूटर का ABC भी नहीं आता। साई कॉलेज में हम स्टूडेंट्स को मदद करते हैं, बेसिक से शुरू करके एडवांस प्रोग्रामिंग तक हम उनको एक्सपर्ट बनाते हैं। BCA में एडमिशन के लिए मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट 12th किसी भी विषय में पास है, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं BCA करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि BCA कोर्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाता है। BCA कोर्स के अंतर्गत जो कंप्यूटर सब्जेक्ट्स कवर होते हैं वो मुख्यतः हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, PC सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया, वेब टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोग्रामिंग इन C++, जावा, एडवांस जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मल्टीमीडिया टूल्स एंड एप्लीकेशंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंसी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स विद लिनक्स,
एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये एक ब्रॉड वे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि बीसीए के अंतर्गत क्या क्या कंप्यूटर सब्जेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा साई कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज से भी अपडेट करता है। जैसे जैसे नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में उन लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से भी अपडेट करते हैं। मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू स्टूडेंट्स को इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा। आप में से कुछ लोगों ने यदि ये सुना है कि बीसीए कोर्स टफ है, गलत। 2019-20 से तब से बीसीए का जो कोर्स है वो पहले से बहुत इजी हो गया है। मैं इस सेक्शन में इस पॉइंट को भी विस्तृत रूप से कवर करूंगा। नंबर टू, कई स्टूडेंट्स कुछ इंस्टीट्यूशन से सुन के आते हैं कि बीसीए प्लस प्लस। स्टूडेंट्स, बीसीए प्लस प्लस नाम का कोई कोर्स नहीं होता। कुछ संस्थाएं बीसीए के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश वगैरह को जोड़ देते हैं और उसको बीसीए प्लस प्लस कहते हैं, जबकि ऐसा कोई कोर्स अस्तित्व में नहीं है। बीसीए नाम का ही कोर्स अवेलेबल है। बीसीए प्लस प्लस से भ्रमित ना हो, से कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने जो आपको बताया कि एक नया कोर्स जो 2019-20 में हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के द्वारा अनाउंस किया गया, उसके अंतर्गत जो पहले का कोर्स था, नया कोर्स उसके मुकाबले काफी इजी है। इस स्क्रीन के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि नया कोर्स इजी कैसे है। देखिए, पुराने कोर्स में जनरली पेपर वन में, फर्स्ट ईयर के पेपर वन में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कैलकुलस और इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट होते थे, जबकि नए सिलेबस में केवल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, बाकी कैलकुलस और इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स यहां से हट गया है। इसके अलावा आप बाकी प्रोग्रामिंग, बाकी जो कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं पुराने सिलेबस में और राइट साइड में नए सिलेबस में। नए सिलेबस में एक और प्रावधान किया गया है कि हर सब्जेक्ट में 20% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के ऊपर है, जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनके। पुराने में ऐसा नहीं था, इंटरनल मार्क्स थे बट वो कुछ विषयों में थे। नए सिलेबस में 20% मार्क्स हर सब्जेक्ट में इंटरनल मार्क्स के रूप में रखे गए हैं। तो इस प्रकार से जो नया सिलेबस बीसीए का है वो पुराने के मुकाबले काफी इजी है मैथ स्टूडेंट्स के लिए और नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए। नॉन मैथ स्टूडेंट्स से मेरा मतलब है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 11-12 में मैथ्स नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी ये बीसीए कोर्स अब काफी इजी हो गया है। स्टूडेंट्स, साई कॉलेज बीसीए के लिए बेहतर क्यों है? इस सेक्शन में हम आपको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। बीसीए के लिए साई कॉलेज जो टीचर्स हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। साई कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई में 425 कंप्यूटर्स की कंप्यूटर लैब्स हैं, जिससे अधिक प्रैक्टिकल करने को स्टूडेंट्स को मिलता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, साई कॉलेज में किसी भी कोर्स में किसी भी स्टूडेंट को पूरे 3 साल तक किताबें नहीं खरीदनी पड़ती। हमारी लाइब्रेरी इतनी स्ट्रांग है कि वो हर स्टूडेंट को 5, 6, 7 जितनी वो स्टूडेंट्स चाहे उतनी किताबें एट ए टाइम इशू करता है अनलिमिटेड पीरियड के लिए। साई कॉलेज ही बीसीए के लिए बेस्ट क्यों है, इस स्लाइड के माध्यम से हम आपको प्रूव करेंगे। हर साल यूनिवर्सिटी Rank 1 to Rank 10 की मेरिट सूची डिक्लेयर करती है। बीसीए की मेरिट सूची में 2018 और 2019 में साई कॉलेज के कई स्टूडेंट्स ने अपना स्थान प्राप्त किया। मुख्यतः बीसीए के संदर्भ में यदि हम बात करें तो Rank 1 साई कॉलेज के स्टूडेंट ने अर्जित किया, Rank 3 साइंस कॉलेज के स्टूडेंट ने अर्जित किया, Rank 7 साई कॉलेज के स्टूडेंट ने अर्जित किया। Rank 1 यानी हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सभी कॉलेजेस के सभी बीसीए के स्टूडेंट्स में जो फर्स्ट रैंक था वो साई कॉलेज के मोहम्मद तालिब कुरैशी ने अर्जित किया। फीस डिटेल्स या फीस की जानकारी के लिए मैं इच्छुक स्टूडेंट्स से निवेदन करूंगा कि वो 9977002014 इस नंबर पर संपर्क करें। हम आपको कॉलेज की बीसीए की फीस, कॉलेज में जो स्कॉलरशिप स्कीम्स अवेलेबल हैं उसके संबंध में और कॉलेज में जो फीस पेमेंट के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं उसके संबंध में हम विस्तृत जानकारी देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं वीडियो के अंत में इस टॉपिक को कवर करूंगा कि बीसीए
किसी भी सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज से बी करने की अपेक्षा बेटर क्यों है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बी करने के लिए 4 वर्ष लगते हैं, 4 ईयर्स कोर्स है बी का कोर्स, और सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज जो हर सिटी हर जिले में कई सारे हैं आज की तारीख में, उनमें जब स्टूडेंट बी करके निकलता है तो उसको जॉब्स नहीं मिलती। इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि जो आज बी का करिकुलम है उसमें थ्योरी ज्यादा पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल कम कराया जाता है, जबकि इसके टोटली विपरीत बीसीए के कोर्स में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो जिसकी वजह से बी जो 4 साल करने के बाद जॉब्स नहीं मिलती या बहुत ही मुश्किल से जॉब्स मिलती हैं, बीसीए 3 साल करने के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होने के बाद जॉब्स इजीली मिलती हैं। मैं यहां फिर से दोहरा दूं, हम सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं। बी कोर्स यदि आप किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से करें, एनआईटी से करें, आईआईटी से करें, IIIT से करें, बहुत अच्छा है। स्टेट के कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं गिने चुने एकाध जो बहुत अच्छे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कॉलेज का यहाँ पर, बट किसी अच्छे कॉलेज से यदि बी किया जाए तो इट्स गुड, अदरवाइज किसी सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज से बी करने की अपेक्षा बीसीए से अच्छा कोर्स नहीं है। इस पॉइंट को हम एक और अगली स्लाइड में भी कवर करेंगे कि बी से बेहतर बीसीए क्यों है। करने के बाद अधिकांश स्टूडेंट्स एमबीए कोर्स ज्वाइन करते हैं, मतलब 4 साल बी करने के बाद वो 2 साल का एमबीए का कोर्स ज्वाइन करते हैं अधिकांश स्टूडेंट्स। अब यदि वो स्टूडेंट बी ना करके बीसीए करे तो 3 साल का बीसीए कोर्स करने के बाद वो उसी एमबीए कोर्स में ज्वाइन कर लेता है, कर सकता है, यानी 3 साल बीसीए देन 2 ईयर्स एमबीए। अब यदि ऐसा किया जाए, बीसीए के बाद एमबीए किया जाए, तो स्टूडेंट एक प्रेशियस ईयर अपना बचाता है। 1 साल बचाने का अर्थ केवल 1 साल की फीस बचाना ही नहीं, बल्कि 1 साल का जॉब के लिए कंपटीशन बचाना भी है, क्योंकि हर साल कई स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होके निकलते हैं और वो ऐड होते जाते हैं आपके कंपटीशन में जॉब्स के लिए। तो यदि बीसीए के बाद एमबीए किया जाए वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है रादर देन बीई के बाद एमबीए किया जाए। स्टूडेंट्स बीसीए के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं, 2 ब्रॉड ऑप्शंस जो बीसीए के बाद खुलते हैं। पहला है कि बीसीए के बाद जॉब्स इजीली मिल जाती हैं एज ए प्रोग्रामर, एज सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कई बैंकिंग जॉब्स खुलती हैं बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं जहां ग्रेजुएशन या स्नातक डिग्री होना मिनिमम एलिजिबिलिटी है। स्टूडेंट्स अगर चाहें जॉब्स नहीं करना और हायर स्टडीज करना तो आप वो भी कर सकते हैं। बीसीए के बाद आप हायर स्टडीज में एमबीए, एमसीए या पीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। अन्य कोई भी जानकारी के लिए बीसीए के संबंध में आप साई कॉलेज स्ट्रीट 69 सेक्टर 6 भिलाई में व्यक्तिगत आके संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9977002014। साई कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटीज बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग उपलब्ध है। इसके अलावा ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था भी साई कॉलेज में है, जिसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साई कॉलेज हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ।